हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लिंगराज टेक्नो चैनल में। दोस्तों, जो हमारा सीरीज चल रहा था सुरक्षा और सावधानियों के एमसीक्यू क्वेश्चंस का, जिसमें हम लोग पिछले 2 वीडियो में 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो को दोस्तों पहले लाइक और शेयर सब्सक्राइब की दीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे ताकि मैं आगे भी आगे वीडियो को और बेहतर बना सकूं और आपको ज़रूर से ज़रूर चीज़ें आपको प्रोवाइड करा सकूं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 5-year संकल्पना का नहीं है? तो दोस्तों, आपका ऑप्शन मिल जाता है सिंप्लीफाइंग, बी सेल्फ डिसिप्लिन, सी सपोर्टिंग, डी सिक्योरिटी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5-year संकल्पना का सिक्योरिटी जो है वो शब्द नहीं है। तो दोस्तों, 5 ईयर्स, जैसा कि आप जानते होंगे, 5 ईयर्स एक मेथड है, एक संकल्पना है, जो कि जापान देश के द्वारा दिया गया है, जिसके जिसके 5 रूल हैं, जो कि उनके शब्द अंग्रेजी के अक्षर यस से स्टार्ट होते हैं। तो उन्हीं को उन्होंने 5 ईयर्स कहा है, जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सेरी, सीटोन, सीसो, सुके और सिकेत्सु। तो ये उनके अंग्रेजी में, ये जापानियों के 5 नाम हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं शॉर्ट, सेट, साइन और सस्टेन। तो दोस्तों, इसमें सिक्योरिटी नहीं आती, तो ये ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उद्देश्य 5-year संकल्पना का नहीं है? तो इसमें भी दोस्तों हिंदी में हमको देखना है कि कौन सा 5-year संकल्पना का नहीं है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन आपको मिल जाता है ए डाटा का विश्लेषण, बी उन्नत संयंत्र सुरक्षा, सी गुणवत्ता, डी बेहतर सेहत और सुरक्षा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपको ए ऑप्शन दोस्तों सही हो जाता है। डाटा का विश्लेषण जो है 5-year संकल्पना का नहीं है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गैस अथवा द्रवित गैस की आग किस श्रेणी में आती है? तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ए श्रेणी ए, दूसरा ऑप्शन बी जो है आपका श्रेणी बी, तीसरा ऑप्शन सी है जिसमें श्रेणी सी, चौथा ऑप्शन डी है जिसमें आपको श्रेणी डी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। श्रेणी सी में जो है गैस और द्रवित गैस की आग की श्रेणी में आती है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस आग के आधार पर सर्वप्रथम पानी को स्प्रे करना चाहिए, तत्पश्चात धीरे धीरे ऊपर आना चाहिए? तो दोस्तों, किस श्रेणी की आग पर हमें सर्वप्रथम उसके आधार पर पानी को छिड़कना चाहिए? तो आपका ऑप्शन, पहला ऑप्शन है श्रेणी ए, दूसरा ऑप्शन श्रेणी बी, तीसरा ऑप्शन श्रेणी सी और चौथा ऑप्शन श्रेणी डी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाने वाला है ऑप्शन ए, श्रेणी ए के आग पर हमें पहले पानी, उसके आधार पर पानी को स्प्रे करना चाहिए, तत्पश्चात ऊपर जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। किस प्रकार की आग में मेटल को शामिल करना चाहिए? तो दोस्तों, आपको ऑप्शन मिल जाता है श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी। तो मेटल को आपको दोस्तों हम श्रेणी डी में शामिल करते थे। यहाँ पर आपको ऑप्शन सही हो जाता है डी। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आग पर काबू पाने में स्मोथरिंग का अर्थ है? तो दोस्तों, आग पर काबू पाने में
स्मूथनिंग का अर्थ है ए ऑप्शन है ठंडा करना, बी ऑप्शन है हवा को रोकना, डी ऑप्शन सी ऑप्शन है तत्व को हटाना, डी ऑप्शन है ताप घटाना। तो आपको यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो है बी है, हवा को रोकना। तो दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप बेहद अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर में क्या भरा होता है। तो दोस्तों आग को बुझाने का लिए जो उपकरण प्रयोग किया जाता है उसे हम एक फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। तो एक हेलोन फायर एक फायर एक्सटिंग्विशर एक आग बुझाने का उपकरण है जिसमें क्या भरा होता है। उसमें भरा होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिनमें से आपका ऑप्शन ए है फोम, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन टेट्राक्लोराइड, डी ड्राई पाउडर। तो दोस्तों आपका ऑप्शन क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, ऑयल फायर क्या होता है दोस्तों। ए ऑप्शन पेंट्स वार्निश इत्यादि के कारण होती है, बी पाउडर एल्युमिनियम जिंक इत्यादि के कारण होती है, सी खराब इलेक्ट्रिक फिटिंग के कारण होती है, डी लकड़ी पेपर इत्यादि के कारण होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए, पेंट वार्निश इत्यादि के कारण जो है ऑयल फायर होती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, सॉरी मेटेलिक फायर। मेटेलिक फायर में दोस्तों क्या आता है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, खराब इलेक्ट्रिक फिटिंग के कारण होती है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से श्रेणी डी की आग कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ए गैस, बी विद्युत, सी लकड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है दोस्तों, डी बी सॉरी श्रेणी की आग को विद्युत की आग की श्रेणी में रखते हैं, तो आपको बी ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की आग में सप्लाई बंद करके अलार्म बजाना चाहिए तथा प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा आग पर काबू पाना चाहिए। तो दोस्तों बी यहाँ पर बी दो है ऑप्शन सही हो जाएगा, बी श्रेणी की आग में क्या होता है, पहले सप्लाई को बंद कर फिर प्रशिक्षित आदमी को आग पर काबू पाने के लिए बुलाना चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों जैसा आपको पता कि बी श्रेणी की जो आग होती है वो तरल पदार्थों से जलता है, पदार्थों से लगता है जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल, इन सभी से। तो इन अगर जहाँ पर द्रवित पदार्थों से आग लगती है तो दोस्तों पहले उसके प्रवाह को बंद करके, उसकी सप्लाई को बंद करके फिर हमें प्रशिक्षित आदमी को बुलाना चाहिए जो आग पर काबू पा सके। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कोई भी पदार्थ द्रव या ठोस किस गैस की उपस्थिति में जलेगा। तो दोस्तों कोई भी पदार्थ हो चाहे वो दो ठोस हो द्रव हो वह किस गैस की उपस्थिति में जलेगा। तो आपको ऑप्शन मिल जाता है ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई भी पदार्थ जलेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं, रनिंग लिक्विड फायर तथा फ्लेमेबल लिक्विड फायर के लिए कौन सा एक्सटिंग्यूशर उपयुक्त है। तो दोस्तों ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी हेलोन, सी फोम, डी ड्राई पाउडर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है सी फोम। लिक्विड फायर के लिए दोस्तों हमें कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग होता है, फोम फायर एक्सटिंग्विशर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्बोनेसियस फायर पेंट वानिस, पहला ऑप्शन है पेंट वानिस इत्यादि के कारण होती है, बी पाउडर एल्यूमिनियम जिंक इत्यादि के कारण होती है, सी खराब इलेक्ट्रिक पेंट के कारण होती है, डी लकड़ी पेपर इत्यादि के कारण होती है। दोस्तों कार्बोनेसियस फायर लकड़ी पेपर इत्यादि के कारण होती है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इलेक्ट्रिक फायर तो इलेक्ट्रिक फायर में दोस्तों क्या होता है, पेंट पानी इत्यादि के कारण, बी पाउडर एल्यूमिनियम जिंक इत्यादि के कारण, सी खराब इलेक्ट्रिक फिटिंग के कारण, डी लकड़ी पेपर इत्यादि के कारण। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सी ऑप्शन सही हो जाएगा, खराब इलेक्ट्रिक फिटिंग के कारण इलेक्ट्रिक फायर लगता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं जी। 36 पे दिया गया चित्र किसका सूचक है? तो दोस्तों ऑप्शन ए आदेशात्मक, बी चेतावनी चिन्ह, सी निषेध चिन्ह, डी सुरक्षात्मक चिन्ह। तो दोस्तों यहाँ पर ये डी ऑप्शन सही होगा, पर ये सुरक्षात्मक चिन्ह ना होगा, सूचनात्मक चिन्ह होगा, इन्फॉर्मेशन चिन्ह। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख लीजिए सूचनात्मक चिन्ह, न यहाँ पर मिस प्रिंट है, अंग्रेजी में उसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन चिन्ह। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको डी ऑप्शन सही करना है, सूचनात्मक चिन्ह, सूच सॉरी दोस्तों सूच नात्मक, सूचनात्मक, सूचनात्मक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं। ग्राइंडिंग करते समय प्रयोग करना चाहिए दोस्तों, ग्राइंडिंग भी अगर ग्राइंडिंग व्हील पर हम किसी जॉब को ग्राइंड करते हैं तो हमें क्या प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए मास्क, ऑप्शन बी सुरक्षा चश्मे, ऑप्शन सी धूप के चश्मे, ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों हमें ग्राइंडिंग करते समय सुरक्षा चश्मे प्रयोग करना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। टेम्पर्ड जॉब को ग्राइंड करते समय ठंडा करने के लिए प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन ए हवा, बी रेत, रेत सी पानी, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों टेम्पर्ड यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, पानी प्रयोग करना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स में होता है दोस्त। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट एड बॉक्स में होता है, ए टिंचर बेंजीन, बी पट्टी, सी रुई, डी ये सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट एड बॉक्स में जो है ये सभी होता है, पट्टी भी होती है, टिंचर बेंजीन होती है, रुई भी होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, चीजल का एंगल काटने वाले धातु के किस गुण पर निर्भर करता है? चीजल का एंगल काटने वाली धातु के किस गुण पर निर्भर करता है? तो दोस्तों यहाँ पर उसकी कठोरता पर निर्भर करता है, तो डी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।